हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि करवा चौथ आ रहा है, पास में ही है, एक दो दिन में ही। और उसके बाद इस वीडियो में यही मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से कि आप सुहाग की थाली को कैसे सजा सकते हैं। जैसे हम लोग होते हैं ना, तो करवा चौथ पे अपनी सासू माँ को कुछ देते हैं, और या फिर जो नहीं देते हैं वो बहुत लोग मंदिर में भी देते हैं, या फिर बहुत लोग के क्वेश्चन होते हैं कि अगर सासू माँ नहीं है तो हम ये सारे सामान किस को दें। तो आप अगर आपके घर में आपकी जेठानी है तो जेठानी को भी दे सकती हैं, आपकी ननद है बड़ी तो उनको दे सकती हैं, मतलब कोई भी आपसे बड़ा हो उनको आप दे सकते हैं ये सारे सामान। मतलब इसमें सुहाग की थाली में क्या होता है ना, मेकअप के जो सामान होते हैं या फिर जो साड़ी होती है, आप वस्त्र देना चाहते हैं तो वस्त्र दे सकते हैं, या फिर आप पैसे भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो दिखाऊंगी ना ये सारी चीजें आपको देनी ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो आपको जितनी श्रद्धा होती है उतना ही देना चाहिए, आपसे जितना बन पाता है कि मैं इतना ही दे सकती हूँ तो आप उतना। बहुत सारे लोग गोल्ड देते हैं, सिल्वर देते हैं। तो ऐसे करवा चौथ पे होता है ना कि सासू माँ सरगी देती हैं बहू को, तो सरगी में जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, जो भी उनको कपड़े होते हैं, श्रृंगार का सामान होते हैं, तो वो सब सासू माँ देती हैं। वो सरगी का सुबह का टाइम होता है, लेकिन शाम के टाइम में ना, शाम के टाइम में ऐसा होता है कि जो हम पूजा करते हैं ना उस टाइम पे सासू माँ के लिए कुछ चीजें रखते हैं, वो हमें सासू माँ को देना होता है। तो जस्ट सरगी के सुबह सरगी सासू माँ देती हैं और शाम को बहू देती हैं सासू माँ को, जो सुहाग की थाली होती है ना उसको सजाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ सामान रख लिया है थाली में, और इधर है एक साड़ी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आप थाली को सजा सकते हैं। आप सबसे पहले एक नॉर्मल सी थाली ले लें, जैसे कि आप ये थाली देख रहे हैं। उसके बाद आपको बहुत जो भी आपको लगे आप मेकअप के सामान रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने रख ली है अपनी सासू माँ के लिए चूड़ियाँ। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर की ये चूड़ी रखी है, ये आप देख रहे हैं ऐसे कुछ डिज़ाइन इसमें है, तो ये चूड़ियाँ मैं रख ली हूँ। उसके बाद मैंने रखा है ये एक कंघी, और उसके बाद मैंने साड़ी का मैचिंग मैंने ना ये एक रबर बैंड भी रख लिया है, जैसे मेरी सासू माँ लगाती हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैंने रखा है। उसके बाद एक मैं रख ली हूँ ये लिपस्टिक, अगर आपकी सासू माँ लिपस्टिक नहीं लगाती हैं तो आप मत रखें, और वैसे भी मेरी सासू माँ नहीं लगाती हैं बट मैं हर साल उनको एक लिपस्टिक देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने रख लिया है आलता, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है आलता देना, तो ये आलता। और उसके बाद सिंदूर, और मैंने यहाँ पे रखा है मेहंदी। सुहाग की थाली में मेहंदी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, सो मैंने ये मेहंदी का एक कोन रख लिया है। उसके बाद आप एक कोई भी हैंकी रख सकती हैं, तो ये मैंने देखिए रेड कलर की हैंकी रखी है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने रखा है वाइट टोन पाउडर, आप कोई भी पाउडर क्रीम कुछ भी दे सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जैसा आपकी सासू माँ लगाती हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक रखा है नेल पेंट, और नेल पेंट आप जैसा भी आपकी सासू माँ लगाती हैं वैसा आप रख सकते हैं। उसके बाद बिंदी वगैरह भी रखते हैं, तो यहाँ पे मैंने दो बिंदी के पत्ते रखे हैं। अगर आपकी सासू माँ वर्क वाले बिंदी लगाती हैं, मतलब जो बिंदी के ऊपर काम होते हैं थोड़े बहुत, तो आप वैसा भी रख सकते हैं, तो या फिर डब्बे वाले भी बिंदी रख सकते हैं। यहाँ पे जिस साइजेस की आप मेरी सासू माँ लगाती हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे बिंदी को खरीदा है उसी साइज का। आप इस थाली में ना पैसे भी रख सकती हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे रखी हूँ ये शीशा, ये आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये सुहाग की थाली में रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ये है आलता, आप साबुन भी रख सकते हैं, शैम्पू रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप मतलब जितना मर्जी ना आप उतना आप रख सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें एक रखा है साड़ी, ये आप देख रहे हो ये रेड कलर की साड़ी है, आपकी च्वाइस, जैसे आपकी सासू माँ अगर सूट पहनती हैं तो आप सूट रख दीजिए, मतलब जो भी ड्रेसेस पहनती हैं उस टाइप की, अगर कॉटन की साड़ी पहनती हैं तो कॉटन की साड़ी रख दीजिए। और ये जो सामान होता है ना, जब हम पूजा करते हैं उस टाइम पे हमें पूजा के पास इसको रखना चाहिए, और उसके बाद आप अपनी सासू माँ को बाद में आप दे दें। और ये आप देख रहे हैं ना, जितने भी सामान हैं मैं एक थाल में करके ऐसे, और फिर मैं अपनी सासू माँ को देखती हूँ। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो, वैसे तो नॉर्मली सबको पता ही होता है बट कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि थाल में हम क्या क्या रखें, कन्फ्यूज़न होता है। तो इस वीडियो से आपके कन्फ्यूज़न सारे दूर हो जाएंगे कि आप किस तरीके से सजा सकती हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोग के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय।